दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जो है व्हाट्सएप का एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। हो सकता है आमतौर पर तमाम ही लोग जो है व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो ये ट्रिक आप सब के लिए जो है यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें। आज का जो है इस वीडियो का टारगेट होगा वो है 30 लाइक, जो इस वीडियो पर 30 लाइक तो होने ही चाहिए ना। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ओपन कर ली अपनी व्हाट्सएप, ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं आपको जो है दिखाऊंगा कि कौन सा ऐसा ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा, हाय लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने हाई लिखा और सेंड कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको जो है टिक का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। आमतौर पर यहाँ आपको नज़र आता है जो है डबल टिक आपको नज़र आ रहा है। अक्सर लोगों ने जो है प्राइवेसी लगाई होती है जिसकी वजह से आपको जो है इवन कि वो मैसेज चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, बट उसके बावजूद यहाँ पर आपको जो है डबल टिक और ना ही यानी इस तरह का कलरफुल जो है टिक नज़र आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका मैसेज अगले बंदे ने चेक कर लिया। तो ये प्राइवेसी अगले बंदे ने लगाई होती है, तो कोई भी बंदा आपको चीट कर सकते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप जो है कैसे चीट से बच सकते हैं अगर अगला बंदा आपके मैसेज चेक कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि आप जो है वो बंदा मैसेज आपके देख भी रहा है कि नहीं। तो आज आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो है पता चला सकते हैं कि वो बंदा जो है आपके मैसेज चेक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपने कुछ मैसेज का मैंने अभी कुछ भी मैसेज कर दिए ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट एक टिक हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ से सेंड हो चुका है मैसेज आगे ना डिलीवर हुआ है ना ही चेक हुआ है। यहाँ पे आपने ऐसा कुछ मैसेज लिखना है, ठीक है, कि आप जो है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप ऐसा मैसेज लिखो जिसकी वजह से यानी अगला बंदा यानी आपकी एक बार इनबॉक्स जो है ओपन करके देखे ज़रूर, ठीक है। जब वो ओपन करेगा, ठीक है, फिर आपने ऐसा करना है एक छोटा सा वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करना है, जिस तरह की ये देखें हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद आपने सेंड कर देना है। अब से होगा ये कि जब भी कोई बंदा वो अगला बंदा जो है अपना ओपन करेगा ना इनबॉक्स आपका, तो यहाँ पे बाकी तो उसकी प्राइवेसी जो है काम करेगी बट वॉइस मैसेज भी वहाँ पे आपको जो है डबल टिक का ऑप्शन नज़र आएगा जब भी वो ओपन करेगी। यहाँ पे अभी वो बंद जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ वो ऑफलाइन है, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं, तो यहाँ पे आपको डबल टिक नज़र आएगा, ठीक है, और जैसे वो सुनेगा तो यहाँ आपको इस यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा माइक बना है, तो यहाँ पे आपको कलरफुल नज़र आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मैसेज जो है अगले बंदे ने चेक कर लिया है। तो अगर आप मज़ीद डिटेल चेक करना चाहते हैं कि उस बंदे ने मैसेज बाकी चेक किए हैं कि नहीं, रीड किया है कि नहीं, तो इसे थोड़ा प्रेस करके रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, आपने इसे प्रेस करना है और जैसे आप इसे प्रेस करेंगे बकवास है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्लेड सेंड सिन और डिलीवर, ठीक है, यहाँ से डिलीवर हो गया। यहाँ पे आपको मज़ीद इन्फो बता रहा है उसकी कि अगले बंदे ने अभी तक वो मैसेज सुना है या फिर नहीं सुना। यहाँ पे आपको वो डिटेल्स बता देगा कि अगले बंदे ने मैसेज चेक किया है कि नहीं, आपको चीट कर रहा है कि नहीं। तो ये था आज का छोटा सा ट्रिप, ठीक है, ट्रिप था, मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर कर लूँ, मुझे भी नया ट्रिप पता चला, तो मैंने कहा ये अक्सर होता है कि हमारे साथ अगला बंदा चीट कर रहा है, तो हमें ऐसे लगता है कि अगला बंदा हमारे मैसेज नहीं चेक कर रहा, इवन कि वो हमारे मैसेज देख रहा होता है, ठीक है, उसने प्राइवेसी लगाई होती है जिसकी वजह से जो हमें ऐसे लग रहा होता है कि अगला बंदा हमारे मैसेज नहीं देख रहा। तो आई होप सो कि आपको ये छोटा सा ट्रिप छोटा सा था, ठीक है, पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से लाइन ट्विटर व्हाट्सएप भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।